अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th कंप्यूटर साइंस बुक को हम लोग लर्न कर रहे हैं, तो क्लास 10th के चैप्टर नंबर वन को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब चैप्टर नंबर सेकंड में आपके पास एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी बुक में है, GW बेसिक इंटरप्रेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। वो सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। आज उसका मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आपने उसको डाउनलोड किस तरह से करना है अपने कंप्यूटर में, और इंस्टॉल किस तरह से करना है, और बाद में आपने उसको यूटिलाइज़ किस तरह से करना है। तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल काम नहीं है। गूगल पे जाएं, सबसे पहले आप क्रोम पे, और इस पे जाके आपने साइट का नाम लिखना है गेट इंटू पी सी। ये एक वेबसाइट है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, इस पर आपने जाना है जी। ये फर्स्ट देखें, गेट इन टू पी सी डाउनलोड योर डाउनलोड फ्री योर डिज़ायर्ड ऐप। तो इधर से आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आपने क्लिक किया, अब देखिएगा आपके पास क्या है। ये राइट साइड पे सर्च बार है इस वेबसाइट का, गेट इन टू पी सी का। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास जो GW बेसिक है उसके लिए, उसको रन करने के लिए, क्योंकि वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन में काम करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम डॉस बॉक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डॉस बॉक्स होना चाहिए जी। ये देखिएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बॉक्स, इसको हम सर्च करते हैं जी। स्टूडेंट्स, ये आपके पास डॉस बॉक्स फ्री डाउनलोड, इस पे आपने क्लिक किया, ये आपके सामने आ जाएगा। इधर लास्ट पे आप लोग आएंगे तो ये डाउनलोड के बटन पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये अभी मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ आपने किस तरह से डाउनलोड करना है। अभी इसको इंस्टॉल करके आपको बताऊँगा। उसके बाद आपने डॉस बॉक्स डाउनलोड करने के बाद आपने GW बेसिक को डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो GW बेसिक आपने सर्च बार में लिखा, GW बेसिक, ये आपके पास GW बेसिक फ्री डाउनलोड आ गया। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास वही पैटर्न जो लास्ट टाइम डॉस बॉक्स में था, ये सारे का सारा इधर आ जाएगा। आपने लास्ट पे आके ये डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है, तो ये फाइल भी आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के डाउनलोड्स में जाके देखेंगे, ये देखिएगा डाउनलोड में ये दो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, एक डॉस बॉक्स एंड सेकेंड वन GW बेसिक। तो मैं क्या करूँगा, GW बेसिक को एक्सट्रैक्ट करूँगा इसकी फ़ाइल को, तो मेरे पास इस तरह की फ़ाइल आ जाएगी और एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। और ये आपके पास जो डॉस बॉक्स है 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह से इंस्टॉल कर लेना जी। स्टूडेंट्स, ये आप देखते जाएं, इस तरह से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल सेट कंप्लीटेड, ये इंस्टॉल हो गया आपके कंप्यूटर सिस्टम में, क्लोज। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिएगा इस शॉर्टकट को आप कॉपी करें, इसको आप डेस्कटॉप पे ले जाएं, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। वो मुझसे रिप्लेस पूछ रहे, क्योंकि रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन इन द रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन जी। तो मेरे पास डेस्कटॉप में पहले से मौजूद है ये शॉर्टकट, तो मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ उधर से, तो आप इधर आ जाएगा दोबारा से। अब देखें, ये डॉस बॉक्स का मेरे पास शॉर्टकट है, और ये GW बेसिक। मैं क्या करूँगा, अपने डॉस बॉक्स को इस तरह से ड्रैग करूँगा, और किस पे लेके आऊँगा, GW बेसिक के ऊपर। तो ये अगर आप देखें तो मैंशन हुआ आ रहा है ऊपर, ओपन विद डॉस बॉक्स DOS एमुलेटर। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एमुलेटर से ही ओपन होगा, इसके ऊपर आपने ड्रैग किया तो ये आपके पास ओपन हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, वो पीछे डॉस बॉक्स है और ये आपका GW बेसिक है जिस पे आप लोग काम करेंगे। देखिएगा आपकी बुक में भी ऐसे होगा, GW बेसिक 3.23 कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट
1983, 1984, 1985 ये वर्जन हैं डिफरेंट, और ये इसके अंदर जो स्पेस फ्री है बाइट्स में वो आपके पास 60300, ये इतनी स्पेस फ्री है। तो इस तरह से आपने इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। ये आप किसी भी विंडो के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी विंडो के ऊपर रन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये इंटरफेस है आपके पास GW बेसिक का, और इसके ऊपर हमने काम करना है, इस पर हमने कोडिंग करनी है। पहले मैं आपको इसके थ्योरी के लेक्चर्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर कोडिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।